दूसरा तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस अध्याय एक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है और जिसे यीशु मसीह में जीवन पाने की प्रतिज्ञा का प्रचार करने के लिए भेजा गया है, प्रिय पुत्र तिमुथियुस के नाम परम पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे करुणा, अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। रात दिन अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर तुम्हारी याद करते हुए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उसकी सेवा अपने पूर्वजों की रीति के अनुसार शुद्ध मन से करता हूँ। मेरे लिए तुमने जो आंसू बहाए हैं उनकी याद करके मैं तुमसे मिलने को आतुर हूँ ताकि आनंद से भर उठूं। मुझे तेरा वह सच्चा विश्वास भी याद है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके में था। मुझे भरोसा है कि वही विश्वास तुझ में भी है, इसलिए मैं तुझे याद दिला रहा हूँ कि परमेश्वर के वरदान की उस ज्वाला को जलाए रख जो तुझे तब प्राप्त हुई थी जब तुझ पर मैंने अपना हाथ रखा था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वह हमें कायर नहीं बनाती बल्कि हमें प्रेम, संयम और शक्ति से भर देती है। इसलिए तू हमारे प्रभु या मेरी जो उसके लिए बंदी बना हुआ है साक्षी देने से लजा मत, बल्कि तुझे परमेश्वर ने जो शक्ति दी है उससे सुसमाचार के लिए यातनाएं झेलने में मेरा साथ दे। उसी ने हमारी रक्षा की है और पवित्र जीवन के लिए हमें बुलाया है, हमारे अपने किए कर्मों के आधार पर नहीं बल्कि उसके अपने उस प्रयोजन और अनुग्रह के अनुसार जो परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह में हमें पहले ही अनादि काल से सौंप दिया गया है, किंतु अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने के साथ साथ हमारे लिए प्रकाशित किया गया है। उसने मृत्यु का अंत कर दिया तथा जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशित किया है। इसी सुसमाचार को फैलाने के लिए मुझे एक प्रचारक, प्रेरित और शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और यही कारण है जिससे मैं इन बातों का दुख उठा रहा हूँ और फिर भी लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसे जानता हूँ और मैं यह मानता हूँ कि उसने मुझे जो सौंपा है वह उसकी रक्षा करने में समर्थ है जब तक वह दिन आए। उस उत्तम शिक्षा को जिसे तूने मुझसे यीशु मसीह में प्राप्त होने वाले विश्वास और प्रेम के साथ सुना है, तू जो सिखाता है उसका आदर्श वही उत्तम शिक्षा है। हमारे भीतर निवास करने वाली पवित्र आत्मा के द्वारा तू उस बहुमूल्य धरोहर की रखवाली कर जिसे तुझे सौंपा गया है। जैसा कि तू जानता है कि वे सभी जो एशिया में रहते हैं मुझे छोड़ गए हैं, फुगिलुस और हिरमुगिनेस उन्हीं में से हैं। उन्हें सिफुरुस के परिवार पर प्रभु अनुग्रह करे, क्योंकि उसने अनेक अवसरों पर मुझे सुख पहुंचाया है तथा वह मेरे जेल में रहने से लज्जित नहीं हुआ है, बल्कि वह तो जब रोम आया था जब तक मुझसे मिल नहीं लिया यत्न पूर्वक मुझे ढूंढता रहा। प्रभु करे उसे उस दिन प्रभु की ओर से दया प्राप्त हो। उसने इफिसुस में मेरी तरह तरह से जो सेवाएं की हैं, तू उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता है। दूसरा तिमुथियुस अध्याय दो। जहां तक तुम्हारी बात है मेरे पुत्र, यीशु मसीह में प्राप्त होने वाले अनुग्रह से सुदृढ़ हो जा। बहुत से लोगों की साक्षी में मुझसे तूने जो कुछ सुना है उसे उन विश्वास करने योग्य व्यक्तियों को सौंप दे जो दूसरों को भी शिक्षा देने में समर्थ हों, यातनाएं झेलने में मसीह यीशु के एक उत्तम सैनिक के समान मेरे साथ आ मिल। ऐसा कोई भी जो सैनिक के समान सेवा कर रहा है अपने आप को साधारण जीवन के जंजाल में नहीं फंसाता, क्योंकि वह अपने शासक अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए यत्नशील रहता है। और ऐसे ही यदि कोई किसी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसे विजय का मुकुट उस समय तक नहीं मिलता जब तक कि वह नियमों का पालन करते हुए प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता। परिश्रमी कामगार
किसान ही उपज का सबसे पहला भाग पाने का अधिकारी है। मैं जो बताता हूँ उस पर विचार कर, प्रभु तुझे सब कुछ समझने की क्षमता प्रदान करेगा। यीशु मसीह का स्मरण करते रहो, जो मरे हुओं में से पुनर्जीवित हो उठा है और जो दाऊद का वंशज है। यही उस सुसमाचार का सार है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। इसी के लिए मैं यातनाएं झेलता हूँ, यहाँ तक कि एक अपराधी के समान मुझे जंजीरों से जकड़ दिया गया है, किंतु परमेश्वर का वचन तो बंधन रहित है। इसी कारण परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए मैं हर दुख उठाता रहता हूँ, ताकि वे भी मसीह यीशु में प्राप्त होने वाले उद्धार को अनंत महिमा के साथ प्राप्त कर सकें। यह वचन विश्वास के योग्य है कि यदि हम उसके साथ मरे हैं तो उसी के साथ जिएंगे, यदि दुख उठाए हैं तो उसके साथ शासन भी करेंगे, यदि हम उसको छोड़ेंगे तो वह भी हमको छोड़ देगा। हम चाहे विश्वासहीन हो पर वह सदा सर्वदा विश्वसनीय रहेगा, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता। लोगों को इन बातों का ध्यान दिलाते रहो और परमेश्वर को साक्षी करके उन्हें सावधान करते रहो कि वे शब्दों को लेकर लड़ाई झगड़ा न करें। ऐसे लड़ाई झगड़ों से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इन्हें जो सुनते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर द्वारा ग्रहण करने योग्य बनाकर एक ऐसे सेवक के रूप में प्रस्तुत करने का यत्न करते रहो जिससे किसी बात के लिए लज्जित होने की आवश्यकता न हो, और जो परमेश्वर के सत्य वचन का सही ढंग से उपयोग करता हो और सांसारिक वाद विवादों तथा व्यर्थ की बातों से बचा रहता है, क्योंकि ये बातें लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। ऐसे लोगों की शिक्षाएं नासूर की तरह फैलेंगी। हुमनियुस और फिलितुस ऐसे ही हैं, जो सच्चाई के बिंदु से भटक गए हैं। उनका कहना है कि पुनरुत्थान तो अब तक हो भी चुका है। ये कुछ लोगों के विश्वास को नष्ट कर रहे हैं। कुछ भी हो, परमेश्वर ने जिस सुदृढ़ नींव को डाला है वह दृढ़ता के साथ खड़ी है, उस पर अंकित है। प्रभु अपने भक्तों को जानता है और वह हर एक जो कहता है कि वह प्रभु का है उसे बुराइयों से बचे रहना चाहिए। एक बड़े घर में बस सोने चांदी के ही पात्र तो नहीं होते हैं, उसमें लकड़ी और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कुछ विशेष उपयोग के लिए होते हैं और कुछ साधारण उपयोग के लिए। इसलिए यदि व्यक्ति अपने आप को बुराइयों से शुद्ध कर लेता है तो वह विशेष उपयोग का बनेगा और फिर पवित्र बनकर अपने स्वामी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और किसी भी उत्तम कार्य के लिए तत्पर रहेगा। जवानी की बुरी इच्छाओं से दूर रहो। धार्मिक जीवन विश्वास प्रेम और शांति के लिए उन सब के साथ जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम पुकारते हैं प्रयत्नशील रहो। मूर्खतापूर्ण बेकार के तर्क वितर्कों से सदा बचे रहो, क्योंकि तुम जानते ही हो कि इनसे लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। और प्रभु के सेवक को तो झगड़ना ही नहीं चाहिए, उसे तो सब पर दया करनी चाहिए, उसे शिक्षा देने में योग्य होना चाहिए, उसे सहनशील होना चाहिए। उसे अपने विरोधियों को भी इस आशा के साथ कि परमेश्वर उन्हें भी मन फिराव करने की शक्ति देगा, विनम्रता के साथ समझाना चाहिए, ताकि उन्हें भी सत्य का ज्ञान हो जाए और वे सचेत होकर शैतान के उस फंदे से बच निकलें जिसमें शैतान ने उन्हें जकड़ रखा है, ताकि वे परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण कर सकें। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3। याद रखो, अंतिम दिनों में हम पर बहुत बुरा समय आएगा। लोग स्वार्थी, लालची, अभिमानी, उद्दंड, परमेश्वर के निंदक, माता पिता की अवहेलना करने वाले, निर्दय, अपवित्र, प्रेम रहित, क्षमाहीन, निंदक, असंयमी, बर्बर, जो कुछ अच्छा है उसके विरोधी, विश्वासघाती, अविवेकी, अहंकारी और परमेश्वर प्रेमी होने की अपेक्षा सुखवादी हो जाएंगे। वे धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे किंतु उसकी भीतरी शक्ति को नकार देंगे। उनसे सदा दूर रहो, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो घरों में घुस पैठ करके पापी,
दुर्बल इच्छा शक्ति की पाप पूर्ण हर प्रकार की इच्छाओं से चलायमान स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। ये स्त्रियां सीखने का जतन तो सदा करती रहती हैं, किंतु सत्य के संपूर्ण ज्ञान तक वे कभी नहीं पहुंच पाती। यन्नेस और यम्ब्रेस ने जैसा मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये लोग सत्य के विरोधी हैं। इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है और विश्वास का अनुसरण करने में ये असफल हैं। किंतु ये और अधिक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस की मूर्खता प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी मूर्खता भी सबके सामने उजागर हो जाएगी। कुछ भी हो, तूने मेरी शिक्षा का पालन किया है, मेरी जीवन पद्धति, मेरे जीवन के उद्देश्य, मेरे विश्वास, मेरी सहनशीलता, मेरे प्रेम, मेरे धैर्य, मेरी उन यातनाओं और पीड़ाओं में मेरा साथ दिया है। तुम तो जानते ही हो कि अंताकिया, इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझे कितनी भयानक यातनाएं दी गई थीं, जिन्हें मैंने सहा था, किंतु प्रभु ने उन सब से मेरी रक्षा की। वास्तव में परमेश्वर की सेवा में जो नेकी के साथ जीना चाहते हैं, सताए ही जाएंगे, किंतु पापी और ठग दूसरों को छलते हुए तथा स्वयं छले जाते हुए बुरे से बुरे होते चले जाएंगे। किंतु तुमने जिन बातों को सीखा और माना है, उन्हें करते जाओ। तुम जानते हो कि उन बातों को तुमने किनसे सीखा है, और तुझे पता है कि तू बचपन से ही पवित्र शास्त्रों को भी जानता है। वे तुझे उस विवेक को दे सकते हैं, जिससे मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा छुटकारा मिल सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह लोगों को सत्य की शिक्षा देने, उनको सुधारने, उन्हें उनकी बुराइयां दर्शाने और धार्मिक जीवन के प्रशिक्षण में उपयोगी है, जिससे परमेश्वर का प्रत्येक सेवक शास्त्रों का प्रयोग करते हुए हर प्रकार के उत्तम कार्यों को करने के लिए समर्थ और साधन संपन्न होगा। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4। परमेश्वर को साक्षी करके और मसीह यीशु को अपनी साक्षी बनाकर, जो सभी जीवतों और जो मर चुके हैं उनका न्याय करने वाला है, और क्योंकि उसका पुनः आगमन तथा उसका राज्य निकट है, मैं तुझे शपथ पूर्वक आदेश देता हूँ, सुसमाचार का प्रचार कर, चाहे तुझे सुविधा हो चाहे असुविधा, अपना कर्तव्य करने को तैयार रह। लोगों को क्या करना चाहिए, उन्हें समझा। जब वे कोई बुरा काम करे, उन्हें चेतावनी दे। लोगों को धैर्य के साथ समझाते हुए प्रोत्साहित कर। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग उत्तम उपदेश को सुनना तक नहीं चाहेंगे। वे अपनी इच्छाओं के अनुकूल अपने लिए बहुत से गुरु इकट्ठे कर लेंगे, जो वही सुनाएंगे जो वे सुनना चाहते हैं। वे अपने कानों को सत्य से फेर लेंगे और कल्पित कथाओं पर ध्यान देने लगेंगे। किंतु तू निश्चय पूर्वक हर परिस्थिति में अपने पर नियंत्रण रख, यातनाएं झेल और सुसमाचार के प्रचार का काम कर। जो सेवा तुझे सौंपी गई है, उसे पूरा कर। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो अब अर्घ के समान उंडेला जाने पर हूँ, और मेरा तो इस जीवन से विदा लेने का समय भी आ पहुँचा है। मैं उत्तम प्रतिस्पर्धा में लगा रहा हूँ, मैं अपनी दौड़ चुका हूँ, मैंने विश्वास के पंथ की रक्षा की है। अब विजय मुकुट मेरी प्रतीक्षा में है, जो धार्मिक जीवन के लिए मिलना है। उस दिन न्यायकर्ता प्रभु मुझे विजय मुकुट पहनाएगा, न केवल मुझे बल्कि उन सब को जो प्रेम के साथ उसके प्रकट होने की बात जोते रहे हैं। मुझसे जितना शीघ्र हो सके मिलने आने का पूरा प्रयत्न करना, क्योंकि इस जगत के मोह में पड़कर दिमास ने मुझे त्याग दिया है, और मैं वह थिसलुनिके को चला गया है, क्रेसकेंस गलातिया को तथा तीतुस दलमातिया को चला गया है। केवल लूका ही मेरे पास है। मरकुस के पास जाना और जब तू आए उसे अपने साथ ले आना, क्योंकि मेरे काम में वह मेरा सहायक हो सकता है। तीखिकुस को मैं इफिसुस भेज रहा हूँ। जब तू आए और उस कोट को जिसे मैं त्रोआस में
करपूस के घर छोड़ आया था ले आना, मेरी पुस्तकों विशेष कर शर्म पत्रों को भी ले आना। ताम्रकार सिकंदर ने मुझे बहुत हानि पहुंचाई है, उसने जैसा किया है प्रभु उसे वैसा ही फल देगा। तू भी उससे सचेत रहना, क्योंकि वह हमारे उपदेश का घोर विरोध करता रहा है। प्रारंभ में जब मैं अपना बचाव प्रस्तुत करने लगा तो मेरे पक्ष में कोई सामने नहीं आया, बल्कि उन्होंने तो मुझे अकेला छोड़ दिया था। परमेश्वर करे उन्हें इसका हिसाब न देना पड़े। मेरे पक्ष में तो प्रभु ने खड़े होकर मुझे शक्ति दी, ताकि मेरे द्वारा सुसमाचार का भरपूर प्रचार हो सके, जिससे सभी गैर यहूदी सुन पाए सिंह के मुंह से मुझे बचा लिया गया है। किसी भी पाप पूर्ण हमले से प्रभु मुझे बचाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षा पूर्वक ले जाएगा। उसकी महिमा सदा सदा होती रहे, आमीन। प्रिस्किल्ला, अक्विल्ला और उन्हें सिफुरुस के परिवार को नमस्कार कहना। इरास्तुस कुरुंथुस में ठहर गया है। मैंने त्रुफिमुस को उसकी बीमारी के कारण मिलेतुस में छोड़ दिया है। जाड़ों से पहले आने का जतन करना। युबुलुस, फुदेस, लिनुस तथा क्लौदिया तथा और सभी भाइयों का तुझे नमस्कार पहुँचे। प्रभु तेरे साथ रहे, तुम सब पर प्रभु का अनुग्रह हो।